और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बाजार में टमाटर की जबरदस्त मांग के बीच जिले के किसानों को बड़ा झटका लगा है। किसानों ने निजी कंपनी वायर नेटिव से खरीदी की गई कीटनाशक दवा का छिड़काव टमाटर पर फसल पर किया है और अगले ही दिन टमाटर की पूरी फसल सूख गई, जिससे बस्तर के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पूरा मामला बस्तर जिले के सोनारपाल इलाके के मजुला गांव का है, जहां पर किसान अशोक कुमार कोशले ने 14 एकड़ जमीन पर टमाटर का फसल लगाई हुई थी, लेकिन नेटिव कंपनी के कीट रोधी दवा के छिड़काव के चलते उनकी पूरी फसल तबाह हो चुकी है। किसान ने बताया कि संबंधित कंपनी से कीटनाशक दवा की शिकायत की, लेकिन कंपनी ने दवाई से फसल बर्बाद होने वाली बात से साफ इंकार कर दिया है। वही रातों रात फसल बर्बाद होने की जानकारी लगते ही कृषि अधिकारी और कृषि कॉलेज के वैज्ञानिकों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। कृषि अधिकारी तरुण कुमार प्रधान ने बताया कि टमाटर की खेती का निरीक्षण कर छिड़काव किए गए दवा और बर्बाद हुई फसल का सैंपल लिया गया है, जिसे जांच के लिए कृषि कॉलेज लैब भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि फसल की बर्बादी का कारण क्या है। किसानों के टमाटर फसल बर्बाद होने के चलते बस्तर के किसानों में आक्रोश है। मैं किसानी 2006 से स्टार्ट है। मैं बायर कंपनी का नेटियो जो फंगीसाइड है टमाटर में डाउनी पाउडरी के लिए काम करता है, इसलिए उसमें छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद जस्ट आज छिड़काव किया, दूसरा दिन पूरा ही पत्ता जल गया था, बर्निंग आ गया। नोटियो करके एक दवा है बाहर कंपनी की, उसमें किसानों द्वारा मतलब ये शिकायत किया गया है कि इसके छिड़काव करने से उनके फसलों को नुकसान पहुंचा। उसी के जांच के संबंध में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ में इनके खेतों का भ्रमण किया है। नुकसान के कुछ सैंपल भी हम लोग लेके जाएंगे, साथ ही साथ जो किसान ने यूज किया उसकी दवा के सैंपल के जो बैच नंबर है उसका भी सैंपलिंग करके हम लैब में परीक्षण कराएंगे, ताकि पता चल सके उसमें कंटेंट जो मात्रा उसमें जो लिखा हुआ दर्शित मात्रा है वो सही थी कि नहीं, दवा सही थी कि नहीं, ये पता चल जाएगा।